नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूअर्स, नवरात्र का उत्सव चल रहा है, माँ भगवती की आराधना हो रही है और इन दिनों लोगों के मन में ये विशेष सवाल भी रहते हैं कि नवरात्र के उत्सव में क्या कुछ ऐसी प्रक्रियाएं भी हो सकती है जिनसे हमारे घर के कुल देवी देवता, हमारे पितर प्रसन्न हो। जो भी काम हमारे बार बार रुक रहे हो, अटक रहे हो, वो काम निर्बाध गति से अच्छी तरह से संपन्न हो, घर में सुख शांति आ जाए, मन को सुकून मिल जाए, क्या ऐसा कोई मार्ग है? विवर्स, एक ऐसा मार्ग हमारे देवी साधक बेंगलोर से श्री ललित बेंगलोर जी, जाना पहचाना नाम, वो आज आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से पूर्णिमा और अमावस के साथ साथ नवरात्र के इन दिनों में भी अगर उस प्रक्रिया को आप करते हैं तो आपको चमत्कारिक अनुभूति मिलने लग जाती है। सिर्फ 5 नारियल और 5 नारियल की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में किस तरह से आपको अपने इष्ट को और किन किन देवी देवताओं को वो नारियल का भोग लगाना पड़ता है, जोत जलानी पड़ती है, इसके लिए हम चलते हैं सीधे बेंगलोर। हमारे साथ फोन लाइन पर है ललित बेंगलोर जी, देवी साधक। ललित जी, सलम जी, जय माता जी की। जय माता जी, जय माता जी। ललित जी, नवरात्र का उत्सव चल रहा है और आप भी अपनी पूजा आराधना में है। आपसे मैंने ये कहा था कि क्या कुछ ऐसी प्रक्रिया है जो सरल हो और जिसे हर व्यक्ति कर सके और उससे उसको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक लाभ की अनुभूति उसे दृष्टिगोचर हो सके। ललित जी, सनम जी, जो एक पूजा है, छोटी सी पूजा है जी, जिसे पंच पूजा भी कहा जाता है, 5 देवता होते हैं उसमें। सबसे पहले भगवान गणपति जी, उसके बाद में लक्ष्मी नारायण, विष्णु भगवान जी, उनके बाद में महादेव जी जी, और चौथे नंबर नव दुर्गा माँ जी, 5वां नंबर सूर्य भगवान जी। तो 5 सूखे नारियल लेने जी, और एक जैसे कोई हवन का पात्र हो या कोई ऐसा बड़ा पात्र हो तो वो ले लेना है जी। कपूर रख के सबसे पहले गणपति जी का नारियल जोत करनी है। मतलब आपको 5 में से 1 नारियल अपने पास लेना है, उस नारियल में से गणपति जी के नाम से आप उसे चढ़ा रहे हैं। आपके मन में ये भाव आना है कि आप ये नारियल, ये प्रसाद भगवान गणपति को अर्पित कर रहे हैं और उस नारियल से आप 2, 3, 4, 5 छोटी छोटी जो उसके टुकड़े हैं वो कपूर के साथ उसकी जोत ले लीजिए, यही कहना चाहते हैं? हाँ जी। उसके बाद में दूसरा नारियल होता है विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का जी, तो उसमें से भी जो पीस करके जो जो जलरी है उसके साथ में रखना है जी। मतलब पात्र वही है, पहले आपने गणेश जी का कर दिया, उसके ठीक बाद आपने भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का एक ही नारियल में आपने उनका नाम लिया और दूसरे जो सेकंड नारियल है उसके आपने कुछ पीस लिए, वो आपने उस जोत में चढ़ा दिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के नाम से जी। तीसरा नारियल है महादेव जी का जी, और महादेव जी का भी वैसे ही चढ़ाना है बिल्कुल। फिर चौथा नारियल है माँ नव दुर्गा, भगवती के सारे रूप आ गए। हाँ, 5वां नारियल है सूर्य भगवान का जी। उसके बाद में अपने घर में जो मिठाई है तो वो मिठाई चढ़ा देनी है, अगर मिठाई नहीं है तो शक्कर या गुड़ भी आप चढ़ा सकते हैं उसके ऊपर 5 बार
पांच बार आपको अलग अलग, जैसे पहले गणपति का नाम लेना है, फिर वो शक्कर या गुड़ घी भी साथ में लेना है। हाँ, घी की पांच आहुति डालनी ऊपर से, पहले मिठाई डाल दो उसके ऊपर घी की आहुति डालनी पांच, और पांचवी बार पांचों देवता का नाम लेना है। पांचों देवता का नाम लेकर के इस तरह से आपको ये पूजा संपन्न करनी है। आपके मन में, हमारे व्यूअर्स के मन में सवाल हो सकता है कि इससे क्या हमारे कुल देवी देवता तक ये अंश चला जाएगा? संजय जी देखो, जो गणपति का नारियल है, हम कोई भी पूजा पाठ करते तो पहले सबसे पहले गणपति का आराधना करते हैं और गणपति की पूजा पाठ भी करते हैं सबसे पहले। बिल्कुल, रिद्धि सिद्धि की वो दाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो दूसरा नारियल है भगवान लक्ष्मी और विष्णु भगवान का, तो जैसे कि किसी के कुल देवता ये होते परशुराम जी होते हैं, किसी के कुल देवता कृष्ण भगवान होते हैं, किसी के कुल देवता श्री राम जी होते हैं, तो वहां पर ये एक तरह से वो प्रतिनिधि बन जाते हैं आपके कुल देवी देवता के, कुल देवता के प्रतिनिधि बन जाते हैं भगवान विष्णु। विष्णु भगवान जी जी। और जैसे कि महादेव जी है, तो महादेव जी जैसे कि किसी के घर के कुल देवता भैरव जी होते हैं। बिल्कुल, किसी के हनुमान जी होते हैं, कुल देवता हनुमान जी होते हैं, तो वहां पर महादेव भगवान को अगर आप जब ये नारियल चढ़ाते हैं तो आपके भैरव जी और आप हनुमान जी, हनुमान जी गुरु गोरखनाथ दत्तात्र भगवान जितने भी हैं प्रसन्न हो जाते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। और जो नवदुर्गा का है तो उसमें कौन, जो भी आपकी घर की कुल देवी है तो उसमें नवदुर्गा में सभी माताएं इसमें आ जाती है। बहुत अच्छी बात आपने कही, इसमें सारी मतलब आपके जो भी कुल देवी देवता हैं वो इसमें समाहित हो जाते हैं, वो जो आपकी पूजा होती है वो उन तक पहुंच जाती है। और जो सूर्य भगवान है तो वो जो हमारे जो कुल के पितृ होते हैं तो वो इनमें से भोग उनको पितरों को भी लग जाता है। ये बड़ी बात है कि एक तरह से कुल देवी देवता भी प्रसन्न हुए और आपने पितरों को भी याद कर लिया और सूर्य भगवान के माध्यम से पितरों तक वो भोग चला जाता है। फिर संजय जी दोनों हाथ जोड़ के भगवान गणपति को, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को, महादेव जी को, नव दुर्गा माता को और सूर्य भगवान को हाथ जोड़ के बोलना है, अगर मेरे से कोई भूल चूक हुई है, अगर मेरे तरफ से कोई भूल चूक हुई तो आप मेरे को क्षमा करना और मेरी तरफ से ये आप भोग स्वीकार करें। अच्छा, जो भी मुझे लगता है कि शुरुआत में जब कोई भी व्यक्ति ये प्रक्रिया शुरू करेगा उस वक्त भी शायद वो एक जो आप संकल्प होता है कि मैं इस बात के लिए, इस इच्छा के लिए मैं ये पूजा आराधना कर रहा हूँ, पांचों देवताओं को याद कर रहा हूँ, ये मेरी पूजा स्वीकार करें, तो उस वक्त भी वो आह्वान कर सकता है अपने देव देवता का। आह्वान कर सकता है और वो उधर ज्योत के पास में बैठ के वो प्रार्थना करना है कि पांचों देवताओं को बोलना कि जो मेरा ये काम है आप भगवान मेरा ये काम आप कराए करकर, जैसे किसी का व्यापार में कुछ अवधानियां हो रही है तो आप व्यापार के बारे में बोल सकते हैं, अगर किसी का पैसा किधर भी अटका हुआ है तो उसके बारे में आप बोल सकते हैं। जी 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 जी। और जो भी समस्या है, जो भी समस्या है उसको अपने देवताओं को बोलना है। हाँ, जैसे घर में किसी का कलेश होता है तो वो भी आप बोल सकते हैं उसमें। बिल्कुल। और ये पूजा अभी तो पूजा होने के बाद में एक गिलास या एक कलश पानी का भरना है, जो हमारे सीधे हाथ की जो छोटी वाली अंगुली की जो बाजू वाली अंगुली है जिसे हम तिलक लगाते हैं, अनामिका अंगुली, ठीक है, उस अंगुली से हम हवा में पांच बार पानी का छिट्टा बोलते हैं, जल अर्पण करना देवताओं को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जलती हुई जोत के ऊपर नहीं डालने का है। अच्छा, हवा में आकाश की तरफ आप छिट्टे मार। अच्छा, जोत में नहीं डाला जाता, जोत पे नहीं डालना है। अच्छा 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 अच्छा, ये आपने अच्छी बात कही। और जो वो जो भस्म है ठंडी होने के बाद में अगर कोई आदमी किसी की दुकान में छिटकाव करे तो भी और भी अच्छा है, अगर जो आदमी नहीं करना चाहता है तो कोई भी ऐसी शुद्ध जगह में वो भस्मी रखनी चाहिए, जैसे कोई पीपल का झाड़ है या कोई भी अच्छी झाड़ के नीचे रख दे। बिल्कुल, उसको वहां विसर्जन आप वहां कर दीजिएगा। अच्छा, इसमें ये पूजा अभी नवरात्रा में तो हो ही सकती है, इसके साथ साथ इस पूजा प्रक्रिया का विधान और क्या है?
कौन से दिन करनी चाहिए? जैसे कि अमावस पूर्णिमा तो दो दिन तो मेन है, और कोई अष्टमी में भी कर सकता है जी, सप्तमी अष्टमी नवमी में भी कर सकता है। वैसे अगर आप पूजा करना चाहते हैं, आपका जिस दिन मन करे, भगवान को याद करने के लिए कोई खास बात नहीं है, उसके लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, आप भगवान को प्रसाद चढ़ा सकते हैं। लेकिन पूर्णिमा और अमावस की बात इसलिए है क्योंकि पूर्णिमा में आपका भोग जो है आपके कुल देवी देवताओं वहां तक जाता है, और अमावस को जो आप करते हैं वो पितरों को भी उसका वो भोग जाता है, क्योंकि अमावस पितरों के लिए होती है जैसा कि आप सब जानते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे देवी साधक ललित जी ने ये बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं बताई है, ये सूक्ष्म प्रक्रिया है। हालांकि पांच सूखे नारियल हैं, याद रखिएगा पांच सूखे नारियल हैं, और जो देवताओं का क्रम है, गणपति जी हैं, विष्णु भगवान हैं, महादेव हैं, नव दुर्गा हैं और सूर्य भगवान हैं। तो संजय जी, जो यहाँ पर मैं दरबार लगाता हूँ, तो यहाँ पर जो लोग आते हैं मेरे पास में, तो मैंने उनको भी बताया था, तो वो मेरे को जैसे सप्ते में एक बार आते तो वो मेरे को दूसरे सप्ते में आके बता दिए थे वो, कि हमारे को 30% आराम मिला है, किसी को 40% मिला है, किसी को 25% मिला है जी। तो ये प्रक्रिया सुनने वाले लोग जितने चाहे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना ललित जी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हाँ। जितनी करेंगे उतना और भी अच्छा है, जितनी करेंगे उतना अच्छा है। तो ललित जी, कोई खास बात और इसमें अगर कोई छूट गई हो? इसमें कोई बात नहीं छूटी, सब मैंने बता दिया, और जो कर रहे हैं तो इसमें कमेंट बॉक्स में लिखे, या आप तक भी वापस मैसेज भेजे, या मेरे तक भी मैसेज भेजे कि आपको कितना राहत मिली इस प्रक्रिया से। बड़ी बात है कि आपको कोई प्रयोग बताया जा रहा है, आप वो कर रहे हैं, तो उसका निष्कर्ष भी आप अपने साधक तक या माध्यम तक, क्योंकि माध्यम मैं बन रहा हूं, आप मुझ तक जरूर भिजवाएं, ताकि ये पता चले कि ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में किस किस विषय में और फायदा लोग बता रहे हैं, वो अनुभव छूटते हैं। तो विवर्ष नवरात्र के उत्सव में माँ भगवती की आराधना कीजिए, और माँ भगवती की आराधना के साथ साथ ये प्रक्रिया अगर आप करना चाहें तो इसे भी जोड़ सकते हैं। और विशेष रूप से ये कहा जाता है कि पूर्णिमा और अमावस्या 15-15 दिनों का जो क्रम है उसमें निश्चित रूप से इसको करना चाहिए। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा, आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। आभार है हमारे देवी साधक ललित जी बेंगलोर का, जिन्होंने ये प्रक्रिया आप तक पहुंचाई, और इनको आज से करीब 10-15 साल पहले एक ऐसे ही सिद्ध पुरुष के माध्यम से इनको ये प्रक्रिया मिली थी, जो इन्होंने सार्वजनिक रूप से आपको बताई है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।